गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रीति यादव। तो मैं आपके लिए अनदर हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैंने पूजा से पहले कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे फ्रॉम नाइका और कुछ ईयर रिंग्स खरीदे थे मैं एक इंस्टाग्राम वेबसाइट से, जहाँ पे मुझे बहुत ही चीप प्राइसेस में बहुत अच्छे अच्छे ईयर रिंग्स मिले हैं। तो मैं आपसे शेयर करूँगी सब कुछ और लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लेना। और कुछ कुछ मैंने ऐसे शॉप से भी ईयर रिंग्स खरीदे थे जो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ, उसका लिंक तो नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी शुरू मंगाए थे फ्रॉम नाइका। वन इज़ फ्रॉम VLCC मुल्तानी मिट्टी फेस पैक एंड अनदर वन इज़ बायोटिक टैन रिमूवल फेस पैक। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने बहुत टाइम से मैंने यूज़ किया इसको, क्योंकि पूजा से बहुत पहले ही मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे डिलीवर हो गए थे। तो ये जो पहला प्रोडक्ट है जिसको मैंने यूज़ किया था, ये VLCC का मुल्तानी फेस पैक विच इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सूथिंग है। इसे लगाने के बाद स्किन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे तो मैंने पहले कभी भी मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक यूज़ नहीं किया था, मतलब मैंने वो पाउडर वाला यूज़ किया था जो बनाकर लगाते हैं। मैंने पहली बार VLCC यूज़ किया था मैंने, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो ये आप आराम से लगा सकते हो, आपके स्किन में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और आराम से ये कोई भी ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनदर जो मैंने बोला बायोटिक का टैन रिमूवल फेस पे, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट हाँ गाइस, अगर आप ये अपने फेस पे लगा रहे हो तो थोड़ा सा इचिंगनेस होगा विच इज़ नॉर्मल। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्किन सेंसिटिव या इफेक्ट हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली हमारे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स या रैशेज या कुछ कुछ स्पॉट्स होते हैं, उसके वजह से हमारे स्किन में ये थोड़ा सा इचिंगनेस होता है। तो इसका ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। इससे टैन, पूरा फेस का टैन रिमूव होता हो जाता है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं हम जितना भी सनस्क्रीन लगा लें बट किसी को बहुत ज़्यादा टैनिंग प्रॉब्लम होता है, तो वो ये फेस पैक आराम से यूज़ कर सकता है बायोटिक। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, तो इससे भी आपके स्किन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम नाइका वाज एन आई क्रीम फ्रॉम बायोटिक, यू कैन सी दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये आप बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के लिए है। और बट मैं इसे ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बिकॉज एज आई हैव द ड्राई स्किन है। तो ये पूरे स्किन को जब मैं इसे लगाती हूँ तो ये पूरा मॉइस्चर होके रहता है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। तो ये ड्राई स्किन वालों लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई आई क्रीम, अगर आपको कम प्राइस में अगर कोई अच्छा सा आई क्रीम आपको चाहिए, तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, और आप इसे रात को यूज़ करें, रात को यूज़ करके आप इसे सो जाएंगे, सुबह उठ के आपका स्किन बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चर रहता है, बहुत अच्छा होता है। तो अनदर प्रोडक्ट विच इज़ अगेन फ्रॉम बायोटिक, एजलेस विजिबल सेरम फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये प्रोडक्ट मुझे मेरी बहन ने रिकमेंड किया था, सो थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा सूट किया है। और मैं ये रात को यूज़ करती हूँ, इसको मैं बिफोर मॉइस्चराइजिंग माय स्किन, ये नाइट क्रीम से पहले मैं ये यूज़ करती हूँ। तो थैंक यू दी ये प्रोडक्ट मुझे दिखाने के लिए या फिर मुझे रिकमेंड करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एक्चुअली मैंने ये छोटा लिया बिकॉज मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया था, तो मैंने ये छोटा सा ही लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं ये बड़ा वाला ख़रीदने वाली हूँ। अगर किसी का बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, वो आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो ये अगेन बायोटिक के सारे प्रोडक्ट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए ही हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये कैन यूज़ दिस। अनदर प्रोडक्ट आई बॉट इज़ स्विस ब्यूटी कंसीलर फ्रॉम द शेड वार्म सेंट। ये कंसीलर तो आपको पता ही है, अगर जिसको नहीं पता, कंसीलर हम अपने अंडर आइज़ में यूज़ करते हैं ताकि हमारे डार्क सर्कल्स छुप जाएँ, और अगर कहीं हमारे स्किन में स्पॉट्स हो तो वो अगर छुप जाएँ, उससे छुपाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा शेड में मैंने अपने शेड में ख़रीदा है, आप इसे देख सकते हो, मैं आपको पेजेस में दिखाती हूँ। ये कैन यू सी दिस, ये देखिए, ये इसका वार्म सेंट इसका शेड है, आप इसे देख सकते हो, ये आपके सारे स्पॉट्स डार्क सर्कल्स कवर कर देंगे। ये मैंने एक्चुअली पूजा के लिए लिया था बिकॉज मेरा कंसीलर ख़त्म हो गया था। ये देखिए, ये मैंने अपने शेड के हिसाब से ख़रीदा है, आप इसे अपने शेड के हिसाब से खरीद लीजिए। एक्चुअली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसके बहुत सारे शेड्स हैं, आप अपने स्किन के हिसाब से आप इसे ख़रीद सकते हो। तो काफ़ी अच्छा था ये, कम प्राइस में ये बहुत ही अच्छा मुझे स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट मिला है, मुझे बहुत पसंद आया ये। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। प्रोडक्ट है जो मैंने नाइका से ख़रीदा है, विच इज़ माई पर्सनल, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका है, विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी लिक्विड हाईलाइटर।
ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली मेरा मेकअप फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट में से एक हाइलाइटर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आप देख सकते हो, ये बहुत ही शाइनी और बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर जिसको नहीं पता है कि हाइलाइटर क्या होता है, हाइलाइटर हम अपने यहाँ लगाते हैं ताकि वो शाइन आए, या नोज़ में लगाते हैं, यहाँ 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 पे लगाते हैं। ये देखिए शाइन कैसा कर रही है, वाओ, आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। आप इसे मस्ट, ये मस्ट है, मस्ट है, आप इसे मस्ट बाय है ये। और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, मेकअप इन्फ्लुएंसर को देखा है इसे, इसके बारे में रिव्यूज़ देते हुए, जो कि बहुत अच्छा रिव्यूज़ देते हैं वो। और मुझे, मैंने भी इसे पर्सनली यूज़ करके देखा, ये कितना शाइनी और कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट बाय। 3 फ्री प्रोडक्ट्स मिले हैं फ्रॉम नायका, विच इज़ बायोटिक फेस वॉश, बायोटिक शैम्पू एंड वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी शिमर डस्ट पाउडर। मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैंने तो मैं इसका रिव्यूज़ नहीं दे पाऊँगी। ये एक्चुअली शिमर डस्ट पाउडर है, यूज़ नहीं किया है मैंने। बात करते हैं अब ईयरिंग्स की, जो मैंने एक इंस्टाग्राम वेबसाइट से ख़रीदा है, विच इज़ everstylish.com। इस वेबसाइट में आपको हर टाइप ऑफ ज्वेलरी मिल जाएगी, लाइक ईयरिंग्स, चॉकर्स, नेकलेसेस, 3-लेयर नेकलेसेस, रिंग्स एंड नोज पिन्स, एवरी टाइप ऑफ ज्वेलरी यू कैन फाइंड ऑन दिस वेबसाइट, जो कि आपको बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। सो आई थिंक यू शुड चेक इट आउट, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख। मैंने ये एक हुला हूप ईयरिंग लिया है, हुप ईयरिंग्स, मुझे हुप ईयरिंग्स का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत सारे हैं। और एक कौड़ी ईयरिंग्स लिया, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ईयरिंग, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें पहना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद मैंने एक ब्लैक ईयरिंग ख़रीदा, देखिए आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये हुआ मोती का ईयरिंग्स ख़रीदा है, देखिए ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब बहुत ही चीप प्राइस में मिला है मुझे गाइस। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा ओल्ड का छोटा सा क्यूट सा ईयरिंग ख़रीदा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ले लिया। एंड अनदर नेक पीस ख़रीदा है मैंने, बटरफ्लाई नेक पीस, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो ये बहुत सुंदर है। मैंने जो शॉप से ख़रीदे हैं थे वो थे ये मैंने एक ब्यूटीफुल सा गोल्डन झुमका ख़रीदा था, विच इज़ कॉस्ट मी एटलीस्ट 100 रुपीज़ में, मुझे ये बहुत ही प्रिटी लगा, ये बहुत ही सूट कर रहा था। ये भी मैंने अपने हॉल वीडियो में पहना था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल झुमका। थोड़ा 2 ईयरिंग्स ख़रीदे फ्रॉम वेस्ट लाइफ, एक मॉल से ख़रीदा था मैंने, ये भी बहुत ही सुंदर ईयरिंग्स है। ये मैंने ज़्यादातर ये आप अपने वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, ड्रेसेस, नी लेंथ ड्रेसेस या फिर जीन्स के साथ भी ये बहुत ही अच्छा जाएगा, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही। वो ईयरिंग्स, मेटल ईयरिंग्स मैंने ख़रीदा था, ये देखिए ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी एक ले लूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ईयरिंग है, ये मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ये ख़रीदा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बॉट दिस मेटल ईयरिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल ईयरिंग्स टू। और 2 ईयरिंग हैं लास्ट बचे हैं, ये भी आप देख लो, ये एक ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग है, मेटल ईयरिंग, ये भी बहुत ही सुंदर है। और ये एक झुमका है जो कि बहुत ही सुंदर है, ये भी मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में, अच्छे प्राइजेस में मिले हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू। मुझे ईयरिंग्स का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है गाइस, मुझे ईयरिंग्स बहुत पसंद है। और ये सब आप अपने कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं, हर टाइप ऑफ कुर्ती के साथ ये जाएगा, बिकॉज इट्स अ मेटल टाइप ऑफ ईयरिंग, सो इट कैन गोज विद एवरी काइंड ऑफ कुर्ती, यू कैन वेयर सलवार, एवरी काइंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।